गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कुटी कुटी नमन, आप सभी को प्रणाम। प्रायश्चित क्यों और कैसे, इस प्रवचन में पिछली बार पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि कितनी भी पूजा पाठ कर लें, जप तप कर लें, लेकिन जब तक पूर्व के जन्मों के या हमारे इस जन्म के पूर्व के पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, तब तक हमारी उन्नति में बाधा ही रहेगी। आइए अब जानते हैं उससे आगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं आपसे कह रहा था कि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा करते हैं तो आपको मुबारक, आप उपवास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ अनुष्ठान करते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मत भूलिए कि इससे जो मुनासिब लाभ है वो आपको उस समय तक नहीं मिल सकेंगे जब तक कि पिछले वाले दबाव आप पर पड़े हुए हैं। पिछले वाले पाप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे ना आपकी पूजा सफल हो सकती है, ना उपासना सफल हो सकती है, ना आपका मन लग सकता है, ना ध्यान लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको दंड मिल रहे हैं। दंड नहीं मिलेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा फिर पाप का दंड कहाँ जाएगा। इसलिए वो आसुरी शक्तियाँ शुभ कर्मों में बराबर विघ्न उपस्थित करती हैं। आसुरी शक्तियों से क्या मतलब है? आसुरी शक्तियों से कोई मतलब नहीं है। आपका किसी से वैर नहीं, फिर कोई आपको बेकार ही हैरान नहीं कर सकता। आसुरी शक्तियां बेकार ही हैरान क्यों करेंगी? केवल आपके पाप कर्म ही वो आसुरी शक्तियां हैं जो आपको हैरान कर देती हैं और आपको अच्छे कर्म में सफलता मिलने पर अवरोध खड़ा कर देती हैं। उनसे आपको लड़ना ही पड़ेगा। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, तो फिर उज्जवल भविष्य में रुकावट डालने वाले जो पिछले वाले पाप कर्म हैं वही हैं आसुरी शक्तियां, उन्हीं का नाम है। उन आसुरी शक्तियों से निपटने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो वो हमला करके आपके अच्छे प्रयासों को मटिया मीट करके रख देंगी। खेती आपने की है, जंगली जानवर जो हमला करते हैं तो रात भर में सारी की सारी फसल को खा पी करके बराबर कर देते हैं। क्या आप जानवरों को रोकेंगे नहीं? कृपया करके रोकिए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि आप चाहे जितना पानी लगाते रहिए, खाद लगाते रहिए, बीज बोते रहिए, फसल के नाम पर आपको कोई भी चीज़ हाथ लगने वाली नहीं। तब मैं यही कह रहा था आपसे कि आपको इस महत्वपूर्ण बात के ऊपर गौर करना चाहिए। आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार स्वामी माधवाचार्य जी वृंदावन में रहते थे। उन्होंने 13 साल तक गायत्री के अनुष्ठान किए, लेकिन उन अनुष्ठानों का कोई परिणाम उनको नहीं मिला। ना उनको आत्मशांति मिली, ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ही कोई मनोकामना पूरी हुई, ना संतोष हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब बड़े खिन्न हुए, दुखी हुए कि हमको सफलता के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते तो स्तुति करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने गायत्री अनुष्ठान 13 वर्षों तक करने के बाद में वृंदावन त्याग दिया और वृंदावन त्यागने के बाद में वे बनारस चले गए। वो वहाँ काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठे हुए थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे, बड़े दुखी थे। एक साधक का रूप और दुख देखकर एक महात्मा उधर से निकले। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे दुखी हो रहा है, कौन है तू? तो वो बोले, हम साधना करने वाले एक व्यक्ति हैं और 13 वर्ष तक गायत्री को उपासना करते रहे लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हम बहुत खिन्न हैं और ये सोचते हैं कि उपासना का कोई लाभ नहीं, ख़ास तौर से गायत्री का कोई फल नहीं हो सकता, ऐसे हमारे विचार हैं। महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा एक काम कीजिए, गायत्री के बारे में तो हमारी कोई जानकारी नहीं है, हम तो तांत्रिक और कपालिक विद्याओं को जानते हैं। तू तांत्रिक और कपालिक विद्या को सीख ले, एक साल के अंदर तुझे कुछ चमत्कार दिखने लगेंगे, अनुभव हो जाएगा तथा चमत्कार पर तेरा विश्वास बढ़ जाएगा।
इसीलिए चमत्कार दिखाने की दृष्टि से तुझे हम एक साल की तांत्रिक उपासना की सलाह देते हैं। स्वामी माधवाचार्य जी ने मान लिया। फिर उनको मणिकर्णिका घाट पर तंत्र संबंधी आवश्यक ज्ञातव्य बताया और कहा, एक साल तक तुमको इसी मर्यादा में रहना पड़ेगा, इससे बाहर जाना मना है, इसी में नहाना है, इसी में खाना पकाना है, इसी में सोना उठना बैठना, किसी भी कीमत पर मरघट की सीमा से बाहर मत जाना। ऐसा ही उन्होंने किया। एक साल तक उनको जो भैरव का मंत्र बताया गया था उसको भी जपते रहे। भैरव कभी शेर के रूप में आते, कभी औरत के रूप में आते, कभी डराते, कभी पैसा लेकर के आ जाते, लेकिन माधवाचार्य जी से उन्होंने कह दिया था कि तू अपने काम में ही लगी रहना, दुनिया की बातों से प्रभावित मत होना। साधक को दुनिया की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपनी साधना को ही सब कुछ मानकर चलना चाहिए। वैसा ही हुआ। माधवाचार्य अपने गुरु के कहने के मुताबिक सब कुछ करते रहे, जो कोई आते रहे सबको फटकारते रहे, आप लोग चले जाइए, हम तो साधना कर रहे हैं। एक दिन साल जब पूरा हो गया तब भैरव जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जिसका तू जप कर रहा है वो मैं ही हूँ, हमारा नाम भैरव है और हम आ गए हैं, अब तो हमसे वरदान मांग। उन्होंने कहा कि पहली मांग तो ये है कि आप मुझे यकीन करा दीजिए कि आप भैरव ही हैं। अब तक पूरे साल में यही खुराफात होती रही कि कोई शेर बनकर आ गया तो कोई भूत बनकर आ गया, कोई भैंसा बनकर आ गया तो कोई औरत बनकर आ गया, रोज यहाँ मेरे साथ में दिल लगी बाजी होती रही। अगर आप भैरव हैं तो फिर मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ और ये विश्वास करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में कोई दगाबाजी तो नहीं कर रहे हैं। आप सामने आइए और प्रकट हो जाइए, पहला वरदान मांगूंगा, आज तो बस इतना ही मांगना है। भैरव ने कहा, हम आपको दर्शन तो नहीं दे पाएंगे, आपकी पीठ पीछे खड़े होकर बात कर सकते हैं लेकिन आपको दर्शन नहीं दे पाएंगे। माधवाचार्य ने संदेह से पूछा कि दर्शन क्यों नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा, तेरे चेहरे पर गायत्री की शक्ति और तेज के आगे खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए सामने आने की हिम्मत नहीं है। पीठ पीछे तू जो कुछ हमसे पूछना चाहता है वो पूछ, बात तो कर ही रहे हैं, यकीन भी कर ले कि हम भैरव हैं। नहीं महाराज जी, मुझे यकीन नहीं होता, सामने आ जाइए। नहीं, सामने तो नहीं आ सकते, फिर वजह क्या है? तुझे बता तो दिया, तेरी आंखों में गायत्री का इतना तेजस है, चेहरे में इतना ओजस और वर्चस छाया है कि उसके सामने रह सकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी आंखों में गायत्री का इतना जबरदस्त तेज है जिसकी वजह से भैरव हमारे सामने तक नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा, महाराज फिर एक वरदान और मांगता हूँ मैं आपसे, आप दर्शन नहीं देना चाहते मत दीजिए, आप एक इच्छा और पूरी कर दीजिए। क्या? आप ये इच्छा पूरी कर दीजिए कि मेरा गायत्री का 13 वर्षों का जप और अनुष्ठान क्यों बेकार चला गया? तो भैरव ने कहा, तेरे सवाल का मतलब हम बता देंगे, चल आंखें बंद कर। आंखें बंद कर ली, फिर उन्होंने एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से 13 जन्मों का दृश्य दिखाया। उसमें उन्होंने बुरे बुरे कर्म किए थे, किसी में हत्या, किसी में चोरी, किसी में डाका, किसी में कुछ, किसी में कुछ। उनकी 13 जन्मों में बड़ी घिनौनी जिंदगी थी। उन्होंने कहा, देख 13 वर्ष का जो तेरा उपवास है अनुष्ठान है, एक एक वर्ष का उपवास अनुष्ठान एक एक जन्म के लिए पूरे हो गए, अब तू जा 14वीं बार फिर अनुष्ठान कर, अब की बार तेरा साक्षात्कार होगा, अब की बार जो गायत्री का लाभ मिलना चाहिए था मिल जाएगा। माधवाचार्य प्रसन्न हो गए, फिर वो वापस चले आए, अपनी छोड़ी हुई साधना को फिर करने लगे। गायत्री उपासना का 14वां वर्ष जो उन्होंने किया उसका परिणाम मिला, गायत्री का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने पूछा, क्या वरदान चाहते हो? तो माधवाचार्य ने कहा, मैं कोई अजर अमर ऐसा काम करके दिखा दूं जिससे कि दुनिया मुझे याद करती रहे। उन्होंने फिर माधव निदान नाम का प्रख्यात ग्रंथ लिखा।
इसे गायत्री ने माधवाचार्य के सिर पर अदृश्य रूप से प्रकट होकर लिखवाया। आज के लिए इतना ही।